देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए मेरठ पुलिस प्रशासन अपने पुलिस कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने की पहल कर चुका है। मेरठ जोन के एडीजी प्रशांत कुमार द्वारा आज पुलिस कर्मियों को कोरोना सुरक्षा किट वितरण की गई, जिसमें सैनिटाइजर से लेकर वर्दी के ऊपर पहनने वाली तमाम किट थी। आपको बता दें, पहले भी पुलिस कर्मियों को यह सुरक्षा किट प्रदान की गई थी ताकि कोरोना महामारी से लड़ने में पुलिस प्रशासन पीछे ना हो और पुलिस कर्मियों को कोई भी असुविधा ना हो, इसके लिए भी पहले किट बांटी गई थी, लेकिन कोई भी पुलिस कर्मी वह किट पहने दिखाई नहीं दिया और अब एक बार फिर से बजट का दुरुपयोग करते हुए पुलिस कर्मियों को एक बार फिर कोरोना वायरस सुरक्षा किट वितरण की गई है। आखिर वह पहले वाली किट कहाँ है, या तो जिन पुलिस कर्मियों को बांटी गई थी वही बता सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में मेरठ के थाना सदर बाजार में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के कारण दो दरोगा, दो सिपाही और एक अन्य कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिनको क्वारंटाइन किया गया। अब बात की जाए सुरक्षा किट की, जब पहले ही पुलिस कर्मियों को सुरक्षा किट वितरण की जा चुकी थी तो उसका इस्तेमाल पुलिस कर्मियों ने क्यों नहीं किया? आखिर क्यों पुलिस कर्मी बिना सुरक्षा किट पहने ही ड्यूटी देते रहते हैं? और अब एक बार फिर एडीजी मेरठ जोन प्रशांत कुमार द्वारा पुलिस कर्मियों को आज कोरोना वायरस सुरक्षा किट प्रदान की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कर्मी जिनको यह किट दी गई है इसका कितना उपयोग करते हैं, या फिर यह उनके कार्यालय और घर में ही रखी रह जाएगी। मेरठ से संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। पीपी किट्स विभिन्न थानों को वितरित किया गया है, पर्याप्त संख्या में इसकी आपूर्ति हो रही है। आज शहर के जो मुख्य हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं, जैसे कि नौचंदी, मेडिकल, सदर बाजार, इन सभी इलाकों को पर्याप्त संख्या में पीपी किट्स दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त फेस मास्क जो है हमारा इन हाउस प्रोडक्शन जो महिला कल्याण केंद्र के तहत मेरठ में किया जा रहा है, इसी तरीके से अन्य जनपदों में भी फेस मास्क इन हाउस प्रोडक्शन किया जा रहा है, जो कि काफ़ी कम लागत में बनाया जा रहा है। लेकिन ये फेस मास्क हम लोग अपने लोगों को प्रथम पहली आपूर्ति हम अपने जवानों को पर्याप्त संख्या में देंगे, उसके बाद अगर आवश्यकता होगी तो हम इसको पब्लिक में भी दे सकते हैं। अच्छे क्वालिटी के पीपी किट्स के आपूर्ति पुलिस मुख्यालय के द्वारा की जा रही है और हम अपने 100% लोगों को, जो कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लगातार फील्ड में वर्क कर रहे हैं, हम सबको कवर करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि खासकर जो अच्छी क्वालिटी के किट्स हैं वो ऐसे लोगों को दिए जाएं जो कि हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं या क्वारंटीन लोगों को आने ले जाने के समय सपोर्ट करते हैं, या हॉट स्पॉट के अंदर किसी विशेष परिस्थिति में अगर घुसना है तो ऐसी जगहों के लिए जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो उस तरह की हाई क्वालिटी किट का उपयोग करें, जिससे कि किसी तरह से संक्रमण का खतरा हमारे स्टाफ को ना हो। सर, लुकआउट नोटिस की जो बात की जा रही थी जमातियों के खिलाफ, उसको लेकर किस तरह की जो है आगे प्रोसेस है और इसमें क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, लुकआउट नोटिस केवल विदेशी नागरिकों के लिए है, उस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन शासन से आ चुके हैं और उसकी एक निहित न्यायिक प्रक्रिया है, उसके तहत ही कार्रवाई की जाएगी। सर, 20 तारीख से जिस तरह से थोड़ा सा रियायत देने की बात की जा रही है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा पुलिस इंतजामिया जो है वो अपने तौर पर कार्रवाई को लेकर, क्योंकि लोग बाहर निकलेंगे जहाँ छूट मिलेगी, तो उसको लेकर किस तरह से आगे का जो है प्लान है? 20 तारीख के बाद से जो ऐसे जिले होंगे जहाँ छूट दी जानी है उसकी कार्य योजना तैयार की जा रही है। अभी पर्याप्त समय है और समय से प्रेस को आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सभी रणनीति शेयर की जाएगी।